आइए नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब क्या हो गया, बैठिए बैठिए एक बार। मैं मरना नहीं चाहती। चेयर लेके बैठिए एक बार। बेटा पानी लेके आओ इनके लिए। क्या समस्या हो गई आपको? मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं मरना नहीं चाहती। क्या हो गया बताइए? डॉक्टर साहब मेरा तो लाइफ खराब हो गया। डॉक्टर साहब मेरी ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर? इस उम्र में? दिखाइए आपकी MRI सीटी स्कैन रिपोर्ट, दिखाइए एक बार। डॉक्टर साहब यहाँ मेरे जीवन पे बनाई और आप रिपोर्ट्स मांग रहे हैं? तो बिना रिपोर्ट के कैसे पता लगेगा? डॉक्टर साहब गूगल कीजिए, 10 दिन से ज्यादा सर में दर्द हो तो वो ब्रेन ट्यूमर होता है। पिछले 10 दिनों से सर दर्द में जूझ रही हूँ। उफ, मेरे को ऐसा लगता है कि एक दिन गूगल सब डॉक्टर्स को रिप्लेस करके मानेगा। क्या होगा मेरे देश का। चलिए नेक्स्ट पेशेंट। क्या क्या हो गया? सिस्टर का ऑक्सीजन चेक करिए। डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है मेरे। बैठिए एक बार, बैठिए आप, बैठ के बताइए मेरे को क्या क्या समस्या है आपको, सारी समस्या बताइए। धक धक कर रहे हो सर, दिल धक धक कर रहे हो सर। मारो। धक धक के अलावा और कोई तकलीफ है आपको? कान में आवाज गूंज रही है डॉक्टर साहब। साथ में और कोई तकलीफ? सांस लेने में दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब। और कोई तकलीफ? ना डॉक्टर साहब, भूख कौन लग रही माने डॉक्टर साहब। कितनी रोटियां खा लेते हैं आप? 5 से 6 रोटी खा लेते हूँ डॉक्टर साहब। आप तो कह रहे हैं कि भूख नहीं लग रही, पहले कितनी खाते थे? पहले 10 रोटी खा लेती थी डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा ठीक है। इसके अलावा और कोई दिक्कत? चलने फिरने में कोई परेशानी होती है? सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलती है आपको? देखो ना मेरी सांस फूल रही है। एक सेकंड मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी मशीन लगा के देखो। छाती तो आपकी एकदम साफ है। नाश पिटे बुरा होते ना, कुछ ना देखना तो जा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट पेशेंट। यस कम इन प्लीज, हैव अ सीट। थैंक यू सर। हाँ तो क्या तकलीफ हो रही है आपको? डॉक्टर साहब कल से मुझे बुखार आ रहा था तो मैंने पैरासिटामोल ले ली, पेट में दर्द भी था तो मैंने पेंटाप्रोजोल ले ली, और चक्कर से भी आ रहे थे तो मैंने डॉक्टर साहब वर्टिन ले ली। अब डॉक्टर साहब मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे CBC, LFT, RFT और एक्सरे, CT स्कैन, MRI लिख दें, मुझे 3 दिन का बेड रेस्ट दे दें और 5 दिन बाद प्लीज़ मुझे यहाँ वापस बुला लें। मैडम आपको अपना इलाज पूरी करना है तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? चलिए किसी और को दिखा लीजिए। ये देखिए डॉक्टर कम पेशेंट। यस नेक्स्ट पेशेंट। हाँ मैडम अंदर आ सकूं? आइए बैठिए। मैडम कुर्सी पकड़ सकूं? बैठिए, समझ नहीं आ रहा। बैठ जाते हैं जी, आप इसे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बैठ जाएंगे हम। मैडम मेरा भतीजा है, उसके कल रात से हो रहे दस्त और जी उल्टिया पे उल्टिया मार रहा है, तो कल लौंडे गए हमारे दंगल, कुश्ती लड़ने जाना है इसको, तो आप ऐसी दवाई लिख दो, ऐसा पर्चा बना दो कि लौंडा कल तक ठीक हो जाए, एकदम दुरुस्त हो जाए। पेशेंट कहाँ है? मैडम वो तो बीमार पड़ रहा है ना, वीकनेस हो रही है उसको, तो वो कैसे आएगा उठ के बताइए आप। तो हम ऐसे पर्चे नहीं लिख सकते, हमें पेशेंट चाहिए सामने। डॉक्टर नहीं सुनो मेरी बात, ये गांव का सरपंच मेरा ताऊ लग गए, मानो मेरी बात, क्यों गांव में पंगा करने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं क्या करूं? सिक्योरिटी इधर आइए। क्यों गर्म हो रहे हो मैडम? सिक्योरिटी। अरे मैडम इनको लेके जाइए, इन्हें आने किसने दिया? आप अपनी सरपंच गिरी इस क्लिनिक के बाहर दिखाना, जाइए कहीं और दिखा लूंगा। मैडम माफ करो मेरे को, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद।